वीरभूमि हिमाचल के एकमात्र शहीद स्मारक धर्मशाला में आज कारगिल दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद हुए सभी 527 शहीदों सहित हिमाचल के 52 वीरों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस विजय दिवस पर रिटायर के जनरल पीके रामपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही अमर ज्योति भी प्रज्वलित की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुक्त रंजन, SGM डॉक्टर हरीश गज्जू सहित सैकड़ों भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 25 मई 1999 को शुरू हुए कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों ने जीवन का बलिदान कर दिया था। 2 माह से भी अधिक समय तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर दुश्मनों को देश की सीमा से खदेड़कर ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था। देश भर में कुल 527 योद्धा शहीद हुए, जिसमें 52 वीर भूमि हिमाचल के थे। कारगिल विजय पर देश भर में सेना के सर्वोच्च सम्मान में कुल 4 परमवीर चक्र मेडल घोषित किए गए, जिसमें 2 हिमाचल के वीरों के नाम हैं। इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा मरणोपरांत और सूबेदार संजय कुमार जीवित को परमवीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल युद्ध में मिली जीत के याद में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। छोटी घटनाएं और रोज हमारे सैनिक शहीद होते हैं। मैंने तो पहले भी कहा ना कि पाकिस्तान वाले वो 1000 कट्स वाली लड़ाई कर रहे हैं और वो करते रहेंगे तब तक जब तक उनको इस तरह की चोट ना पड़े कि वो बिल्कुल ही क्रिपल हो जाए कि आगे बढ़ने के लायक ही ना रहे। और इस चोट में मैं तो ये कहूँगा कि बाहर की और ताकतें भी जो हैं पाकिस्तान के साथ हैं, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत अभी तक चल रही है। नहीं तो जिस तरह से उनकी अंदरूनी हालत है अभी तक ये सब कुछ ठीक हो गया होना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।